नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी से टूटकर बनी अजित पवार की नई एनसीपी तैयार है। मंत्रालय के सामने एक बंगले में नया दफ्तर खुल गया। सुनील तटकरे नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए। 2 जुलाई को अजित पवार एनसीपी के 8 विधायकों के साथ बीजेपी शिवसेना के साथ सरकार में शामिल हुए तो सभी हैरान रह गए। इससे भी ज़्यादा हैरानी शरद पवार की खास प्रफुल्ल पटेल को अजित पवार के खेमे में देखकर हुई। कहा गया कि अजित पवार खुद को पार्टी का अध्यक्ष न बनाने से नाराज थे, इसलिए पार्टी से अलग हो गए। पर राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को तो शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, वो भी भतीजे पर तवज्जो देकर। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के इतने करीबी हैं, बिना उनकी मर्जी के वे ये फैसला नहीं ले सकते। हो सकता है कि इस पूरे खेल के पीछे शरद पवार ही हो। हालांकि 3 जुलाई को शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से निकाल दिया। आखिर प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार का साथ क्यों छोड़ा, इसका जवाब ढूंढने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात करनी होगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।